राजनीति के गलियारे में दिखाई देने लगा है माहौल। गृह मंत्री ने दिखाई कांग्रेस की ताकत तो वहीं भाजपा ने अपना दम, वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा। आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी करने दुर्ग ग्रामीण से कांग्रेस के दिग्गज गृह मंत्री तामसो साहू ने सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों के साथ अपना नामांकन जमा कराया तो भाजपा के रिकेश सेन भी पहुंचे विशाल रैली के साथ। वहीं आम आदमी पार्टी से दुर्ग शहर के लिए संजय दुबे ने पेश की है दावेदारी। बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर अब सभी 6 विधानसभा के प्रत्याशियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है और कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन फॉर्म जमा कराने पहुंच रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में उनके साथ पहुंचे समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने नेताओं को लेकर ढोल नगाड़े के साथ ही जमकर नारेबाजी की। इस दौरान दुर्ग ग्रामीण से गृहमंत्री तामसो साहू, गजेंद्र यादव, ललित चंद्राकर, डोमनलाल कुर्सेवाड़ा, रिकेश सेन, प्रेम प्रकाश पांडे, संजय दुबे, संजीत विश्वकर्मा सहित अन्य निर्दलीय पार्टियों ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया। हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी घोषित किया है और आज अपने सभी पदाधिकारियों के साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में उनकी उपस्थिति है और 2 सेट मैंने अभी नामांकन फार्म जमा किया है। लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है और पूरा विश्वास है कि हम लोग इस चुनाव में भारी बहुमत से जीतेंगे। उनकी मानसिकता इसी में पता चलता है कि हम लोग जब सर्वहारा वर्ग के लिए काम कर रहे हैं तो उसको रेवड़ी और रबड़ी की संज्ञा दे रहे हैं, ये कितना किसानों के प्रति, महिलाओं के प्रति, बेरोजगारों के प्रति, आदिवासी और अनुसूचित जाति के प्रति, व्यवसायी वर्ग के प्रति, सबके लिए हम लोगों ने योजना बनाई है और उसको अगर इस प्रकार की बात करते हैं तो इनकी मानसिकता इसी से पता चलता है। और जो योजनाएं हम लोगों ने बनाई है हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में और आम जनता में जो उत्साह है उससे हम लोगों ने अनुमान ले लिया है, एहसास है कि इस बार हम लोग 75 पार जाएंगे। देखिए, भिलाई में जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में कोई विकास का कार्य हुआ नहीं और नशा एवं अपराध का गढ़, जिस भिलाई की पहचान IIT के कारण होती थी, आज महादेव IID के कारण पहली बार कोई विधायक पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप में आरोपित हो, ये भिलाई के इतिहास में पहली बार हो रहा है। कांग्रेस के पहले भी विधायक रहे हैं लेकिन भिलाई के इतिहास में भिलाई के जनप्रतिनिधि पर कोयला घोटाले में एक्सटॉर्शन मनी वसूलने का आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत है, ऐसा आरोपी है और मुझे लगता इन सारे प्रश्नों का उत्तर जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन, आशीर्वाद और प्यार। आज पूरे के पूरे प्रदेश में बदलाव की स्थिति है और दुर्ग संभाग में भी होगा, इसका प्रमाण है कि लोकसभा में हम लोग विधानसभा में हारने के बाद भी 4 लाख से जीते। नहीं, कांग्रेस का एक भ्रष्टाचार का क्वालिफिकेशन है, उस बेचारे पर 47 लाख का आरोप था, ये युवा है 3 करोड़ का आरोप है। कांग्रेस को लगा कि इसमें भ्रष्टाचार करने का प्रतिभा है, पोटेंशियल है, ये आगे उस परंपरा को कायम कर सकता है कि जहाँ गमले में गोभी के फूल लगते हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी वैशाली नगर विधानसभा से बनाया है और पार्टी ने मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता भी विश्वास किया है और मेरा भी फर्ज बनता हूँ कि वैशाली नगर की जनता जिस प्रकार से आज नामांकन वैली में थी, ऐसा लग रहा था कि नामांकन वैली नहीं बल्कि कोई विजय जुलूस है, तो यहाँ की जनता ने ये स्पष्ट संदेश प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को दे दिया है कि हम 51,000 पार के लीड से ये चुनाव वैशाली नगर का जीत रहे हैं। तो आप जीत गए तो चुनाव की जरूरत ही नहीं है फिर? बिल्कुल, जो प्रक्रिया है उसको करना पड़ता है और मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हूँ। आज जो अपार भीड़, मैंने कल एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो डाला था, मेरे पास कोई साधन संसाधन नहीं है, मैं एक सामान्य परिवार का लड़का हूँ,
मैं कोई मुख्यमंत्री का दामाद नहीं हूँ, मुख्यमंत्री के दामाद संचालक की भूमिका मैं चित्र चंद्राकर जी, वहाँ पे वासुदेव चंद्राकर जी का पूरा परिवार, उनके बेटे जो है लक्ष्मण चंद्राकर जी, उनके दामाद है मुकेश चंद्राकर जी, और जो मुख्यमंत्री जी के जो सुपुत्र हैं बिट्टू, उनका मैं 3 दिन से बैठे हुए हैं वहाँ के लोगों को मैनेज करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मेरी जो लड़ाई है वो लड़ाई मुझे ऐसा लगता है पाटन में तो विजय बघेल जी और भूपेश बघेल जी अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ मुझे तो पूरे परिवार से लड़ना पड़ रहा है। उस चक्रव्यूह में चारों तरफ से इन्होंने घेरा, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ जो अभिमन्यु बनकर इस चक्रव्यूह को तोड़ूंगा। इसलिए हो चुका है भाइयों, क्योंकि भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरे परिवार लग चुके हैं, जो उनके सगे दामाद है क्षितिज चंद्राकर जी वो चुनाव के संचालन कर रहे हैं, जो उनके बेटे हैं बिट्टू वो कोहका में आज 3 दिनों से बैठे हुए हैं, वहाँ की स्थिति को संभाले हुए हैं। भूपेश बघेल जी 45 प्रत्याशियों को बुलाए थे जो दावेदार थे, उन्होंने कहा, भूपेश बघेल जी ने, मैं नाक का सवाल है कैसे भी वैशाली नगर सीट चाहिए। भूपेश बघेल जी के जो राजनीतिक गुरु हैं वासुदेव चंद्राकर जी, उनके जो बेटे हैं लक्ष्मण चंद्राकर जी, उनके सगे दामाद है आपके मुकेश चंद्राकर जी, तो पूरा परिवार पाटन में तो विजय बघेल जी और भूपेश अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो पूरे परिवार ने मुझे चक्रव्यूह में घेर लिया है, लेकिन मैं भी अभिमन्यु हूँ भारतीय जनता पार्टी का चक्रव्यूह को तोड़ूंगा। मात्र शक्तियों को कल मेरे पास कोई साधन संसाधन नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं भीड़ बुलाने के लिए कोई पैसे खर्च करूं, लेकिन मैंने सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो कल बनाया शाम को, और मैंने कहा मेरी बहनों, आपका भाई चुनाव के मैदान में है, कल नामांकन भरने जा रहा है, आप लोग राखियां बांधते हैं, एक बार इसे नामांकन वैली में आ जाइए, अपना भाई का फर्ज अदा कर दो, बहन होने का फर्ज अदा कर दो। हुजूम उमड़ पड़ा, ऐसा लगा कि जैसे वैशाली नगर की जनता ये चुनाव लड़ रही है, विकेश चुनाव नहीं लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को, उनके समस्त पदाधिकारी वरिष्ठ जनों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जो मुझ पर भरोसा किया, विश्वास जताया, और पुनः 10 साल के बाद मुझे फिर से प्रत्याशी भाजपा का अहवारा विधानसभा के लिए जो बनाया है, निश्चित तौर पर उस भरोसे को मैं खरा उतरूंगा, और भारतीय जनता पार्टी की कमल छाप की जीत होगी, और प्रदेश में छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पूर्व में आप मंत्री भी रहे हैं, तो किस तरह के कार्य रहे हैं जिसकी वजह से आपको इस बार उसका लाभ मिलेगा? मैं माननीय डॉक्टर रमन जी पूर्व मुख्यमंत्री के सहयोगी के रूप में 2008 से 13 के बीच मैंने काम किया है, और आदरणीय डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से मैं अपने क्षेत्र में अहवारा विधानसभा में बहुत सारे अच्छे काम किया है, लगभग 281 करोड़ का काम हुआ है। मैं जनता को पानी पिलाना चाहता था, जनता को पानी देना चाहता था, इसलिए मैंने सोनात नदी का पानी अहवारा लाया, 13 करोड़ का बजट था, उसी प्रकार से सोनात का पानी जामुन लाया गया और 17 करोड़ का बजट था, और इस तरह से भिलाई चरोदा पालिका थी उस समय जब मैं था तो वहाँ 103 करोड़ का जल आवर्धन योजना पास कराया गया, राशि दी गई, उसके बावजूद भी आज इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय उद्ध कुमार गुरु जी पीएचई मंत्री रहते हुए भी उस काम को पूरा नहीं कर सका। जनता को पानी देना था, जनता को पानी नहीं दे सका। हमारे देश के प्रधानमंत्री परम सद्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अमृत मिशन योजना लागू किया गया, उस योजना के तहत हमारी जो सरकारें बनी कांग्रेस की, जो हमारे उद्ध गुरु जी उस पीएचई के मंत्री बने, उसने उस विभाग का काम नहीं किया, अमृत मिशन योजना को फेल कर दिए, और कौन सा ऐसा कारण था जो टेंडर को निरस्त करना पड़ा, क्योंकि ये रिजर्व सीट है, सतनामी बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए दोनों पार्टी ने सतनामी को ही टिकट दिया है, 100% अपनी जीत सुनिश्चित मानता हूँ। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।